लोकसभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया और उनका आंकलन किस आधार पर है ये वही बता पाएंगे। वो इतने बड़े नेता नहीं है को पांच पांच सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होंगी। बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी के बयान और उस पर राजेंद्र राठौड़ के जवाब ने राजस्थान में बीजेपी की 11 सीटों पर हुई हार के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। साथ ही साथ इस बयान ने राजस्थान बीजेपी के लिए मुसीबत बनी जाट समाज की नाराजगी को फिर से हवा देना शुरू कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार का झटका झेलने के बाद भी राजस्थान में बीजेपी इस टकराव को खत्म नहीं कर पा रही। हारी हुई 11 सीटों में से लगभग 5 सीटें ऐसी हैं जहां जाट समाज की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी है। इस हार को लेकर यूं तो शेखावटी में बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर पहचान रखने वाले राजेंद्र राठौड़ ने हार की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन हार को लेकर बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने राहुल कस्वा के टिकट कटने और टिकट वितरण पर सवाल उठाए तो राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसते हुए कह डाला कि राहुल कस्वा इतने बड़े नेता नहीं जो कि 5 सीटों पर असर डाल सके। और उनका आंकलन किस आधार पर है ये वही बता पाएंगे। सर, वो इतने बड़े नेता नहीं है को 5-5 सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होगी। इस बार फिर भी बीजेपी के राजस्थान में सीटें कम हुई है, कारण क्या मानते हैं? कई बार राजनीति संभावना का खेल है। राजनीति में कई बार कई नारों पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं, आरक्षण की बात को लेकर, संविधान में को बदलने की बात को लेकर, और जो किसान आंदोलन हुआ उसकी आहट के अंदर कुछ नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अभी हमारे आलाकमान के नेता आए थे, हमने बैठकर बात की है और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र। राजेंद्र राठौड़ जो लोकसभा चुनाव से पहले हुए विधानसभा चुनाव में तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, वो लोकसभा में मिली हार के लिए आरक्षण और किसान आंदोलन की हवा को वजह बताने में लगे हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी के भीतर हार को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं उससे दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, राजस्थान बीजेपी के भीतर पुरानी अंतरकलह फिर से हिलौरे मार रही है, और दूसरा, बीजेपी राजस्थान में 11 सीटों पर हुई हार की असल वजह की समीक्षा नहीं कर पाई। हालांकि राजेंद्र राठौड़ और देवी सिंह भाटी के बयान की समीक्षा की जाए तो यहां समझने वाली बात यह है कि शेखावटी के चुरू, झुंझुनू और सीकर, इसके अलावा नागौर और बाड़मेर जैसलमेर सीट पर जाट समाज की नाराजगी एकमात्र ऐसा बड़ा फैक्टर रहा जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कस्बा खेमा लगातार राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाते आ रहा है कि वो जाट समुदाय से आने वाले राहुल कस्वा को टिकट नहीं दिए जाने के जिम्मेदार हैं। टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी छोड़ कस्वा कांग्रेस में शामिल हो गए और चुरू लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। सभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया, और जो सबसे बड़ा घातक रहा वो जो चूरू की टिकट के ऊपर इतना अच्छा लड़का वो अपने राहुल कस्वा, उसकी वर्किंग, सारा कुछ जनसंपर्क, उसकी टिकट कटाने से पूरे राजस्थान में जाट जो समर्थक थे बीजेपी के वो एक नहीं रहे, और उससे फिर अन्य जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन गया, लोग जगह जगह फिर विद्रोह करने लगे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक इतनी क्षति पहुंची है और इसके अलावा भी अलग कारण रहे हैं। चुरू में जाटों के विरोध के प्रभाव के कारण बीजेपी को पूरे शेखावटी क्षेत्र में बड़ी हार का सामना करना पड़ा जिसमें चुरू, झुंझुनू और सीकर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला ने बीजेपी के शुभकरण चौधरी को हराया। सीकर में सीपीआईएम के अमरा राम ने कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती को मात दी। अच्छी खासी जाट मतदाताओं वाली एक अन्य सीट नागौर में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल बीजेपी की ज्योति मिर्धा पर जीत हासिल कर गए। वहीं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भी बीजेपी के बड़े जाट चेहरे कैलाश चौधरी के प्रति भी जाट समाज ने विश्वास नहीं जताया। इन सभी सीटों पर कांग्रेस या उसके सहयोगियों को
जाट समुदाय के समर्थन ने बीजेपी उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। ऐसे में राजेंद्र राठौर की ओर से देवी सिंह भाटी को दिया जवाब खोखला नजर आता है। सवाल ये है कि इस तरह पार्टी को डिफेंड करने के बहाने क्या राठौर अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की जद्दोजहद में है, और अगर ऐसा है तो संभावना क्या इस बात की भी है कि राठौर के इस तरह के बयान जाट समाज की नाराजगी की खाई को बीजेपी के लिए और गहरा न कर दें।